मेरा सवाल कुर्बानी के ताल्लुक से है कि जो जी बकरे को काटते हैं तो हाँ उसमें क्या क्या चीजें काटनी होती है। जैसे अभी हमारे यहाँ एक शेख आए थे, उन्होंने बयान दिया था, शेख शाही जमान लदवी साहब से, उन्होंने बयान दिया था कि जैसे जो हड्डी होती है ना, हड्डी ये जिसको हम लोग इसको नुखा कहते हैं, नुखा, जी तो उसके अंदर एक रग होती है, बोले उसको काटना काटना नहीं है, बोले उसको काटना जायज नहीं है, उसको नहीं काट सकते। बोले उससे क्या है कि खून अंदर रह जाता है और जो खून पूरा निकलना चाहिए, बहना चाहिए, वो बह नहीं पाता है। उन्होंने बहुत सारे दलाल भी दिए थे, लेकिन हम लोग यहाँ ऐसा है कि हमेशा से ये मसला रहा है आलिमों के दरमियान भी कि उसको काट सकते हैं, तो उसको काटते थे कि ताकि जानवर की जान जल्दी निकल जाए, इसके लिए काट देते थे कि इससे क्या है कि जानवर की जान जल्दी निकल जाएगी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जानवर को आराम पहुंचाओ। जी तो इस मसले को पूरा बहुत ज्यादा कंप्लीटली मुझे सुनिए, समझना है कि मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए जी। बहुत क्लियर तो मैं सवाल आपका नहीं समझा हूं, लेकिन खुलासा उसका मैं समझ गया हूँ। जबा करते वक्त अगर मुकम्मल तौर से, यानी मुकम्मल जबा उसको कहते हैं जिसमें चार चीजों को काटा जाए, गले में चार ऐसी चीजें हैं जिनको जो कटनी चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो चारों कटेंगी तभी वो जबीहा हलाल होगा, चार से कम कटने पर भी जबीहा हलाल हो जाएगा, लेकिन मुकम्मल अकमल ये है कि चार चीजें कटें। अरबी में एक को कहते हैं अलमरी, एक को कहते हैं गुलकोम, एक यानी खाना पानी जाने वाली नली होती है और एक सांस वाली नली होती है, ये दो हो गए। और दो होते हैं वदजान, दोनों साइड में गले के दोनों साइड में दो रग होते हैं जो खून वाले रग होते हैं। तो ये चार चीजें काटना ये अकमल है जबा करने में। और आम तौर से जो काटते हैं उनको तजर्बा होता है, कसाईयों को या जो भी गैर कसाई भी हैं उनको तजर्बा होता है, उनको मालूम है कि कौन सी रग खून वाली है। तो ये चार चीजें दरअसल आपको काटना है, तो आपका जबह का तरीका ये अकमल तरीका है। और जो वाजिब तरीका है वो ये है कि जो जिसको हमने कहा खून वाला रग, वो खून वाला रग कम से कम एक रग कटना ये वाजिब है, क्योंकि खून वाला रग अगर नहीं कटेगा तो खून नहीं निकलेगा, और खून निकलना ये जरूरी है। अगर खून नहीं निकला जबीहे का तो वो जबीहा जायज नहीं है। तो इनहारु दम या खून निकालना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मा अनहर दम वदुके रसूलुल्लाह अलैहि फकुल, ये हदीस है कि जिससे इस तरीके से जानवर को जबा करने से मारने से खून निकल जाए तो फिर उसको खाओ। तो खून निकालना चूंकि वाजिब है, लिहाजा एक रग कटना कम से कम ये जरूरी है, और अकमल तरीका ये है कि ये चारों चीजें काटी जाए। जी जी भाई, आपको जवाब मिला साकिब भाई? जी शेख, लेकिन वो जो एक हदीस आती है उससे तारुस नहीं हो रहा है कि अल्लाह ने मुझे फरमाया कि जानवर को आराम पहुंचाओ, उसकी जान को, उसकी रूह को जल्दी निकालने के लिए, उससे क्या मुराद है? मतलब तारुस नहीं हो रहा है इस हदीस से। अगर हम अगर सिर्फ उसको उसकी वो चार नस को काटते हैं, जैसे खून बहा देते हैं, वो नस को अगर नहीं काटते हैं, जानवर तड़पते रहता है। भाई ये जो चारों चीजें मैंने बताई ना, इसके बाद पांचवी कोई चीज नहीं बचती है। ये चारों चीजें काटने के बाद जानवर इंतहाई आराम के साथ उसकी जान निकल जाएगी। अब पांचवी कौन सी चीज है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं? वो जो हड्डी के दरमियान में जो नस होती है ना, एक सफेद कलर की, व्हाइट कलर की, उसको काटने से क्या फौरन जानवर दम तोड़ देता, ऐसा हाथ पर ठंडे हो जाते उसको? मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज नहीं है। बहरहाल इसको जो जबा करते हैं वो लोग बता पाएंगे, लेकिन ये जो चार चीजें हैं, चारों चीजें काटने के बाद जानवर फौरन, जैसे सांस वाली नली कट गई, उसकी सांस बंद हो गई, खून वाला वाला रग कट गया, खून उसके जिस्म से फौरन निकल जाएगा, फिर जानवर जिएगा कैसे? भाई सांस की नली कट गई उसकी, वो जानवर कैसे जिंदा रहेगा? जी